सलार ना सिर्फ इंडिया में ही कलेक्शन नहीं कर रहा है हार्ड, ये ना ओवरसीज में भी काफ़ी हार्ड कलेक्शन कर रहा है। और ये बात ना हेटर्स लोग को ना तुम लोग बताना मत, क्योंकि वो लोग का ना पिछवाड़ा जल जाएगा। तो चलो फिर मैं बताता हूँ तुम लोगों को, एक्चुअली में ये फिल्म ओवरसीज से कितना कलेक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखो भाई, मैं तुम लोग को बताऊंगा कि नॉर्थ अमेरिका से कितना कलेक्शन आ रहा है, इसको ओवरऑल अमेरिका से कितना कलेक्शन आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से कितना आ रहा है, न्यूजीलैंड से कितना आ रहा है। हार्ड हिटिंग कलेक्शन है मैन, हार्ड हिटिंग कलेक्शन। और इससे भी हार्ड हिटिंग पता है क्या है, ये फिल्म ने अपने चौथे दिन के एडवांस बुकिंग पे ना 45-50% का ग्रोथ लिया हुआ है। क्या बात कर रहे, ये चीजें जानने के बाद हेटर्स का पतलून गीला हो जाने वाला है यार। सीरियसली मतलब मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है यार। जो हम लोग ये फिल्म से इतना उम्मीद लगा के बैठे थे, ये फिल्म उस स्टैंडर्ड की कलेक्शन कर रही है, बहुत सही फील हो रहा है यार। देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें ये है ना, क्योंकि हॉलीवुड में ना एक फिल्म और रिलीज हुआ था, काफ़ी बड़ा फिल्म एक्वामैन, वो फिल्म को ना स्क्रीन्स काफ़ी ज़्यादा दिए गए थे एज कम्पेयर टू सलार। सलार जस्ट इंडियन फिल्में हैं तो इंडियन फिल्म उतना ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं देते हैं। अच्छी बात ये है अभी ना सलार के स्क्रीन्स को भी बढ़ाए जा रहे हैं। और यहाँ ना प्रभास सर ने एक बहुत 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 बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। रिकॉर्ड ये बनाया है कि प्रभास सर इकलौते ऐसे साउथ के एक्टर बन गए हैं जिनके फिल्म सलार सबसे ज्यादा विदेशों में कमाई किया है, मीन्स ओवरसीज में कमाई किया है। तो चलो मेरे एक चीज़ बात करते हैं यार, एक्चुअली मेरे फिल्म का कलेक्शन ओवरसीज से कितना देखने को मिल रहा है अभी तक, क्योंकि इसको लेके मैंने डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया हुआ था। तो मैंने सोचा यार चलो इस टॉपिक का वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि तुम लोग को ही पता चले कि जो प्रभास बाबा है ना, प्रभास सर है ना, इनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, इनकी फैन फॉलोइंग ऑल ओवर वर्ल्ड में है मेरे भाई। चलो फिर बिना लेट करते हुए मैं तुमको एक एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि भाई एक्साइटमेंट बढ़ रही है ये सब सारी चीज़ें शेयर करने की, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, सिंपल सा बात है यार। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं तुमको सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस वीडियो को तो प्रॉपर तुमने लास्ट तक ज़रूर देखना, और इसके साथ साथ ना चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब करो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर ले। तो भाई मैं तुमको बताता हूँ ऑस्ट्रेलिया का जो वीकेंड रहा है 3 दिनों का, उससे कितना कलेक्शन आया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से भाई ये फिल्म ने कलेक्शन कराया 5 करोड़ का, और ये बहुत तगड़ी कलेक्शन है। ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में ना हम लोग की जो इंडियन फिल्म होती है पता है कितना मैक्सिमम कलेक्शन करती है अपने वीकेंड से, 50 लाख मैक्स टू मैक्स 1 करोड़ या फिर 1.2 करोड़, इससे ज़्यादा कलेक्शन नहीं करती है। और हाँ एक चीज़ और मानना पड़ेगा, ज़्यादातर साउथ की फिल्में ना ऑस्ट्रेलिया में कलेक्शन करती है। और इसके अलावा ये फिल्म अमेरिका से बात करते हैं, अमेरिका से ये फिल्म कितना कलेक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है, अमेरिका से भी काफ़ी अच्छा खासा इसके कलेक्शन हुए हैं। मैं नॉर्थ अमेरिका में तो भाई झंडे गाड़ दिया है, सच बोल रहा हूँ भाई, मतलब इतना तगड़ा कलेक्शन होगा आई कांट बिलीव यार। ये फिल्म अमेरिका से कम 50 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर रही है। और इसके अलावा ऑल ओवर जैसे न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं, और भी बहुत जगह ये फिल्म को रिलीज़ करा गया है, उन सब जगह पे ये फिल्म का कलेक्शन कितना आ रहा है, यूके से भी कितना कलेक्शन आ रहा है, सब ओवरऑल लेके 45 करोड़ का बताया जा रहा है, 45 करोड़ के आसपास का ये फिल्म का कलेक्शन हो रही है। ओवरऑल प्रॉपर अगर वर्ल्ड वाइड से कलेक्शन की बात करते हैं, ओवरसीज से कितना कलेक्शन करा है टोटल, तो वही 120 करोड़ के आसपास के फिल्म ने कलेक्शन करा हुआ है, जो कि अपने में काफ़ी बड़ा चीज़ है मैन, बहुत बड़ी कलेक्शन है। मतलब जहाँ जहाँ यह फिल्म रिलीज हुआ है वहाँ वहाँ से यह फिल्म का कलेक्शन बहुत सही देखने को मिला है। यही वजह है कि प्रभास सर एक रिकॉर्ड बना दिया भाई, सबसे ज़्यादा इनकी ही फिल्म में अभी तक मीन सलार ने कलेक्शन करा हुआ है ओवरसीज मार्केट में, और ये इंसान इकलौते ऐसे साउथ के एक्टर भी बन चुका है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो सलार है ना, इसका शुमार सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं है, इंडिया से बाहर भी है। और मैं प्रॉमिस बोल रहा हूँ यार, अगर ये फिल्म ना पाकिस्तान या सब में रिलीज हो जाता ना, तो फिर तो वहाँ से अलग ही तपतोड़ कलेक्शन करता। बहुत ऐसे जो हमारे एशियन कंट्री है जहाँ हिंदी बोली जाती है समझी जाती है, अगर वहाँ ये फिल्म रिलीज हो जाती फिर तो भाई बल्ले बल्ले हो जाता। जैसे नेपाल को देख लो मैं, नेपाल से कितना बेहतरीन कलेक्शन आ रहा है। बहुत ऐसे मेरे नेपाल के सब्सक्राइबर लोगों से बातें होती है, वो लोग खुद सामने से आके बता रहे थे कि संजू ऐसा सीन हो गया है, फिल्म के टिकट नहीं मिल रहे हैं, टिकट्स नहीं मिल रहे भाई, लोग भाई लाइन लगा रहे रात रात के 2-3 दिन बजे तक कि कल के दिन पे मीन्स उसके अगले दिन पे ना उनको टिकट मिल जाए, बट फिर भी नहीं मिल रहा है। ये आलम हो रखा है भाई नेपाल का, बांग्लादेश का भी अलग ही सीन चल रहा है। तुम लोग बताओ, तुम लोग इस पे क्या कहना है कि सलार ओवरसीज में भी भाई झंडे गाड़ रही है, साथ साथ आज विकेट का दिन, आज के दिन में सलार 45-50% का ग्रोथ लिया हुआ है, क्योंकि आज हॉलीडे है, क्रिसमस का दिन है, इंडिया से बाहर ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है, बहुत लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। सो सेलिब्रेशन की वजह से फिल्म के कलेक्शन में भी तुम्हें ग्रोथ देखने को मिल रही है, 45-50% कैसे बताई जा रही है इसकी ग्रोथ देखने को मिल रहा है इंडिया से बाहर। अगर तुम लोग बताओ तुम लोग इस पर क्या कहना है। सो चलो फिर इस वीडियो में बस इतना ही। हाँ ये वीडियो तुम सबको जरा भी पसंद आया प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करो तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लेना। सो
मिलता है अगला वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।